हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि रेनिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे तो हो भी रहा है, दिल्ली एनसीआर में तो थोड़ा बहुत बारिश हो भी रहा है और कई और भी जगहों पे बारिश हो रहा है थोड़ा। तो इस रेनिंग सीज़न में अपने पेट्स को, चाहे वो कैनल में है या घर में है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमने और क्या क्या बीमारियाँ या इन्फेक्शन इस सीज़न में आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट इसमें आपने अपने डॉग का कैसे ध्यान रखना है। तो पहला, जैसे कि मैं अपना ये एक आपको रूटीन बता देता हूं, जैसे कि हम लोग कैसे ध्यान रखते हैं अपने डॉग्स का। जैसे सुबह आप अपने डॉग्स को घुमाते हैं तो कई बार, जैसे सुबह रेनिंग हो रखी है, बारिश हो रही होती है, तो कई बार डॉग्स भीग जाते हैं, तो तब आपके डॉग भीगे हुए होते हैं। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब आपका डॉग वापस कैनल में आता है तो उसको ठीक से सुखाना है, चाहे वो आप कपड़े से सुखाएं या ड्रायर से सुखाएं। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, आप उसको सुखाओगे नहीं, तो उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा और रैशेस जैसे होने लगते हैं, जो कि कई बार फिर वो बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाते हैं, जिससे डॉग इचिंग करने लगता है और वो फैलते चले जाते हैं और कई बार डॉग घाव भी बना लेता है, क्योंकि इस वेदर में कई बार वो मक्खियाँ उस तरह की होती हैं, वो बैठ के घाव पे बैठ जाती हैं और कई बार एक बड़ा घाव हो जाता है डॉग्स को और मैगेट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो आपने अपने डॉग को बिल्कुल सबसे पहले तो क्लीन रखना है, ठीक है। सेकेंड, इस टाइम पे कई बार ऐसा भी होता है, हम डॉग्स को, कई लोग ऐसे होते हैं जो डॉग्स को एसी में रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, जिनके कैनल्स में या जिनके घर में एसी नहीं है, या कई लोग एसी में रखना प्रेफर नहीं करते अपने डॉग्स को। जैसे मैं भी मोस्टली टाइम पे मैं अपने कोशिश यही करता हूं कि अगर जो एडल्ट डॉग मेरे पास है मैं उनको कभी एसी में नहीं रखता हूं। जो प्रेग्नेंट बिचेज हैं या कुछ हैं तो उनको एसी थोड़ा सा देना पड़ता है, कई बार उस तरह का वेदर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एसी एक बार देना पड़ता है। तो इसमें, इस वेदर में एक जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम होती है वो है टिक्स की प्रॉब्लम। बरसातें जैसी आती हैं, गर्मियां जैसी आती हैं, तो गर्मियों में टिक्स होते हैं, साथ में बरसातों में और ज़्यादा टिक्स जो है होने लगते हैं। तो टिक्स का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। टिक्स के लिए मैंने, हमने पहले भी एक वीडियो किया हुआ था टिक्स को लेके, कि आप जो है अपने पेट्स को क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके डॉग को टिक्स हो रहे हैं, तो वो वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है लिंक दे देंगे। आप वहाँ पे जाके अगर टिक्स की आपके डॉग को प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वैसे आपको टिक्स का बहुत ज़्यादा आपको अपने डॉग का ध्यान रखना है। आप जैसे डाइट के पे आते हैं, अगर आप अपने पेट को डाइट देते हो, खाना देते हो, तो आप जैसे 3 मील 4 मील देते हो या जो कोई कितने मील देते हो, तो जैसे मैं तो, हम लोग तो 2 ही मील अपने पेट्स को देते हैं, कई लोग ज़्यादा भी देते हैं अपने घरों में। तो कोशिश करो जैसे मॉर्निंग का मील है सुबह सवेरे, रात को ठंडा हुआ होता है, तो अपने डॉग्स को सुबह खाना दे दो, वो भी 7 बजे तक अपने डॉग्स को खाना दे दो। तो कई बार क्योंकि खाना छोड़ने लगते हैं डॉग्स इस टाइम पे, गर्मी की वजह से, गर्म वेदर की वजह से डॉग खाना छोड़ देते हैं। तो जितना आप अर्ली मॉर्निंग डॉग्स को खाना दोगे, वो अर्ली मॉर्निंग में खाना बहुत अच्छे से खाएगा, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में आप खाना दें। और हाँ, पानी ज़रूर आपके, अगर आपका कैनल है तो आपके हर एक केज में हमेशा पानी होना चाहिए, साफ़ और फ्रेश वाटर होना चाहिए बिल्कुल आपके सारे केजेस में, और जो भी कैनल में जहाँ पे भी आपने डॉग रखे हुए हैं। और ऐसा ना हो कि पानी रखा हुआ है कई दिनों से, क्योंकि आजकल पानी ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, गंदा कर देते हैं डॉग, तो पानी आप चेंज करते रहें, तो जिससे कई बार वोमिटिंग और उनका इशू होने लगता है गंदे पानी से। तो आप पानी, क्लीन पानी आप अपने और फ्रेश वाटर अपने कैनल में आप रखें, और अगर आपके पास घर में भी पेट है तो आप फ्रेश वाटर उसके लिए रखें और बीच बीच में चेंज करते रहें, पानी को चेंज करते रहें। दोपहर में जैसे मैं खुद अपने डॉग्स को दही देता हूँ, आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते पर थोड़ा थोड़ा दही, उसमें दही ला के उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके एक लस्सी टाइप उसकी बना लें, छाछ टाइप बना लें और अपने डॉग्स को ज़रूर दें। उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है डॉग्स पानी नहीं पीते हैं, कुछ डॉग कम पानी पीते हैं, तो उससे उनका वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा और डॉग बिल्कुल हेल्दी रहेगा। अगर वाटर लेवल मेंटेन रहता है तो डॉग को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे बच्चों के लिए आप क्या करें, छोटे बच्चों को भी जैसे, और हाँ, इस वेदर में आप अपने डॉग्स को जो खाना देते हैं, अगर सपोज़ मैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 ग्राम अपने डॉग को रूटीन में खाना पहले देता, तो आप थोड़ा खाना कम ही दें,
100 ग्राम से थोड़ा कम कर दें, ऐसा ना दें, ओवर डाइट ना करें अपने डॉग को बिल्कुल भी। अगर आप ओवर डाइट करोगे अपने डॉग को, एक्सेस खाना दोगे, तो वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा इशूज इस वेदर में देखने को मिलते हैं, कैनलों में भी और घर में भी मिलते हैं ये चीज़ें। तो ओवर डाइट ना करें, लिमिट में उसको खाना दें अपने पेट को। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को जब आप मील देते हो तो छोटे बच्चों को कोशिश करें आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे ठंडा है, आपके पास फ़ैन या कूलर या फिर एसी की फैसिलिटी है। ऐसी एसी नहीं है तो फ़ैन या कूलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बच्चों के साथ भी यही करें, छोटे बच्चों के साथ, कि जो आप उनको डाइट देते हैं, जो आप उनको खाना दे रहे हैं, तो उनको खाना थोड़ा सा कम दें। अगर आप ज़्यादा खाना दोगे, आप एक्सरसाइज में उनको फूड दोगे, तो वोमिटिंग के इश्यूज बच्चों में आ सकते हैं, जो कि इस समय बहुत कॉमन होते हैं। बरसात में लूज मोशन और वोमिटिंग उनको लग जाती है, तो उन चीज़ों का ध्यान दें। और खाना तब आप चेंज करते हैं, तो खाना चेंज करने के लिए भी हमारा एक वीडियो पहले था कि खाना किस किस तरह से चेंज करना चाहिए बच्चों को अगर हम नया खाना पे शिफ्ट करते हैं, तो उस वीडियो को आप देख लें अगर वहाँ पे आपको अगर खाना किसी अपने डॉग्स का चेंज करना है। और कोशिश करें बड़े डॉग्स के लिए तो जो रूटीन में कुछ टाइम के लिए खाना चल रहा है ना, वही उनका चलने दें, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस ना लाएँ अपने खाने में। दही ज़रूर ऐड करें, कर्ड ज़रूर ऐड करें, और इवनिंग को या जैसे थोड़ा दोनों टाइम में, दो टाइम के मील में भी, जैसे मैंने आपको पहले मील में कहा थोड़ा कम खाना दें, शाम के मील में भी थोड़ा सा कम ही खाना दें, बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना उनको ना दें। बस जो मेन ध्यान रखना है वो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। एक तो डॉग आपका बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, बारिशों में रैशेस बहुत ज़्यादा, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग कर लेने लगता है डॉग। दूसरा, आपको डॉग को जो है टिक्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टिक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ये दो तीन चीज़ें छोटी छोटी खाने को लेके, जो बारिशों में और चीज़ें होती हैं गीले हो जाते हैं डॉग, इन चीज़ों को लेके और साथ में टिक्स को लेके, छोटी छोटी दो चार चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे, तो आपके कैनल हो या आपके घर हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, एक चीज़ और आप अपने कुत्ते का ध्यान रखें, आपके कुत्ता का कई बार डॉग्स का जो लॉन्ग हेयर डॉग्स होते हैं जिनका फर थोड़ा बड़ा होता है, आप अपने डॉग्स को डेली चेक करें रूटीन में, कैनल वालों के लिए स्पेशली है। आप अपने डॉग्स को दिन में एक बार जरूर चेक करें, उसकी बॉडी पे जरूर एक बार हाथ लगाएं, तो जिससे आपको अगर कुछ रैशेज उसको कहीं बालों में, हेयर में अंदर हो रहे हो या टिक्स हो रहे हो, तो आप अगर तब अपने डॉग्स के साथ रहोगे, उनको टच करते हो, तो उनको पता चल जाएगा। घर में तो जो लोग रहते हैं तो वो टच में रहते हैं डॉग्स के, उनको जल्दी एकदम धीरे दिख जाती है, मगर जहाँ पर कैनल में डॉग ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा सा रहता है। तो मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपने डॉग्स को जरूर उसके ऊपर हाथ करें, एक बार कंघा जरूर कर लें उससे, अगर टिक्स है या फिर रैशेस हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा उसमें। तो और आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने जो दी है आज, मैंने जो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि बरसातों के मौसम हो रहे हैं, आगे लोगों को जो अगर इस वीडियो को देखें जिनके पास पेट हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू।